पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलिस अधीक्षक ने किया अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 18 बाइक की बरामद। बैजोई संभल पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गश्त के दौरान अंतरराज्यीय वाहन चोर के 4 गिरोह को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 18 बाइक बरामद की। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने खुलासा किया। खुलासा करते हुए आरोपी से कड़ी पूछताछ की गई। बुधवार को पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के आदेश अनुसार चलाए जा रहे अभियान में थाना संभल के प्रभारी निरीक्षक धर्मपाल सिंह एवं उप निरीक्षक माइफोर्स के साथ गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना मिली कि मोहे हल्लू सराय अमरूद का बाग पास से 4 युवक चोरी की बाइक के साथ खड़े हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक ने आनंद फानंद में पहुंचकर आरोपियों की घेराबंदी कर ली और एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने एक आरोपी जफर पुत्र मुजफ्फर निवासी चमन सराय, सिराजपुर सजीद निवासी चौधरी सराय, सजेब पुत्र जुम्मा निवास नियमी सराय, राजा पुत्र खलीद निरोली कोतवाली बनियाखेड़ा जनपद संभल को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 18 बाइक, 1 तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए हैं। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक ने आरोपी से कड़ी पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि हम लोग वाहन चोरी आसपास के थाना क्षेत्र में गाजियाबाद नोएडा दिल्ली आदि जनपदों से निगाहें रखकर लॉक तोड़कर चोरी कर एक स्थान पर एकत्रित करते हैं तथा मोटरसाइकिल का नंबर बदलकर धोखाधड़ी के आरोप में बेच देते हैं। इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। जनपद संभल में अभियान चलाया जा रहा था, जितने वाहन चोर हैं, जितने और चोर हैं नकबजन हैं, इनका अभियान चलाया गया था। इसी दौरान ये जो मोहम्मद जफर है वो व्हीकल चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। इसके पास चोरी की मोटरसाइकिल थी। जब इससे गहन पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि इसके 3-4 साथी और हैं जो मिल करके जगह जगह से आसपास के जनपदों से नोएडा से बदायूं से बुलंदशहर से सभी जगह से चोरी करते हैं मोटरसाइकिल और इसको कटवा करके चेंज करके इसका 46 नंबर इंजन नंबर बेच देते हैं। लगातार ये 10-15 हज़ार में मोटरसाइकिल बेच दिया करते थे और जो भी हॉस्पिटल है सिनेमा हॉल है मॉल है उसके आसपास से व्हीकल चोरी कर लेते थे, उसके बाद ये बेच दिया करते थे। अब ये पूरा गैंग पकड़ा गया है जो मोहम्मद जफर के उसमें लीडरशिप में चल रहा था। इसका गैंग लीडर मोहम्मद जफर था। इसी के क्रम में ये 4 अपराधी पकड़े गए हैं और लगभग 18 मोटरसाइकिलें हैं जिसमें कटी बनी मिक्स टाइप की जो बॉडी है वो और इसमें सबूत पूरी मोटरसाइकिल भी है। सभी इसको रिकवर किया गया है इनके पास से और अब इसको विधिक कार्रवाई की